नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ रहे हैं। यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही है निर्देशन एवं परामर्श का परिचय। निर्देशन एवं परामर्श का परिचय हमारी फर्स्ट यूनिट है और आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन के कार्य, यानी कि निर्देशन के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो एक निर्देशनकर्ता के द्वारा निर्देशन ग्रहण करने वाले को प्रदान किए जाते हैं या बताए जाते हैं या उसके जीवन के लिए उपयोगी होते हैं या उन कार्यों को करते हुए वो उसके जीवन को सही दिशा निर्देशित करता है। तो फर्स्ट देखिएगा, इसमें फर्स्ट है स्वयं की मानसिक क्षमता के संदर्भ में। स्वयं की मानसिक क्षमता के संदर्भ में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को जान सके व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को जान सके तथा उस कार्य में उसकी सहायता कर सके तथा उस कार्य में उसकी सहायता उस कार्य में उसकी सहायता करने। फर्स्ट है इसमें कि स्वयं की मानसिक क्षमता के संदर्भ में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को जान सके तथा उस कार्य में उसकी सहायता करना। इसे तात्पर्य यह है कि निर्देशन का कार्य क्या है? निर्देशनकर्ता के द्वारा निर्देशन ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मानसिक क्षमता के संदर्भ में, यानी कि उसकी मानसिक क्षमता कैसी है, उसके संदर्भ में व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को, यानी कि वो स्वयं व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को जान सके, उस व्यक्ति की इच्छाओं को, लालसाओं को, आकांक्षाओं को जान सके तथा उस कार्य में उसकी सहायता कर सके। कौन? निर्देशन ग्रहण करने वाले की मानसिक क्षमता के संदर्भ में। निर्देशन ग्रहण करने वाले की मानसिक क्षमता के संदर्भ में उस व्यक्ति की आकांक्षाओं को, उस व्यक्ति की लालसाओं को, उस व्यक्ति की इच्छा को जान सके। कौन? निर्देशनकर्ता उसकी व्यक्ति की आकांक्षा को जान सके, उस व्यक्ति की इच्छा को जान सके, उस व्यक्ति की लालसा को जान सके और उस व्यक्ति की लालसा और इच्छा और आकांक्षा को जानते हुए उस कार्य में उसकी सहायता कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड है व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना जिससे वह अपने कार्य क्षेत्र एवं शैक्षिक प्रयासों के विषय में अधिक सीख सके। देखिएगा, व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना जिससे वह अपने कार्य क्षेत्र के शैक्षिक प्रयासों के विषय में अधिक सीख सके। देखिएगा, सेकंड है आपका कि व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि निर्देशनकर्ता के द्वारा व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना, ऐसे मौके देना उसको, ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे वो अपने कार्य क्षेत्र में, कौन से कार्य क्षेत्र में, जिस कार्य को वो कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र में यानी कि अपने कार्य विशेष में, अपने कार्य क्षेत्र में जिस जगह वो रह रहा है, जिस कार्य को वो कर रहा है, जिस कार्य
कार्य को करना चाहता है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र एवं शैक्षिक प्रयासों में, शैक्षिक प्रयासों यानी कि शिक्षा के प्रति किए गए प्रयासों के विषय में अधिक सीख सके और अधिक जान सके यानी कि अधिक रुचि रख सके, ऐसा उसको ऐसा क्या है, ऐसा निर्देशन का कार्य है। ठीक है, व्यक्ति को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए, ऐसे अवसर दिए जाए जिसे वो अपने कार्य क्षेत्र और अपने शैक्षिक प्रयासों के विषय में अधिक जान सके, अधिक सीख सके और अधिक रुचि ले सके। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है वांछित मूल्यों के विकास में योगदान देना या सहयोग देना, सहयोग करना। वांछित मूल्यों के विकास में, वांछित मूल्यों के विकास में सहयोग देना, सहयोग देना। निर्देशन का कार्य है वांछित मूल्यों के विकास में सहयोग देना। निर्देशन का क्या कार्य है? निर्देशन का कार्य वांछित मूल्यों के विकास में सहयोग देना। अब वांछित मूल्य कौन कौन से? अब ये बोलोगे कि वांछित मूल्य क्या होते हैं? वांछित मूल्य वो नैतिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, सौंदर्यात्मक मूल्य है, जो आपके नैतिक मूल्य है, जो आपके सामाजिक मूल्य है, जो आपके आर्थिक मूल्य है, जो आपके राजनीतिक मूल्य है, उन मूल्यों का विकास करना और उसमें सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है निर्देशन ग्रहणकर्ता की निर्णय शक्ति बढ़ाने में योगदान देना। देखिएगा फोर्थ पॉइंट कि निर्देशन ग्रहणकर्ता की निर्णय शक्ति बढ़ाने में योगदान देना, यानी कि निर्देशन का कार्य क्या है? निर्देशन का कार्य एक निर्देशनकर्ता के द्वारा निर्देशन का कार्य यह है, निर्देशन का कार्य इस प्रकार से है कि निर्देशन ग्रहणकर्ता की यानी कि जो निर्देशन ग्रहण कर रहा है उस निर्देशन ग्रहणकर्ता की निर्णय शक्ति को बढ़ाना, निर्णय शक्ति को बढ़ाने में योगदान देना, निर्णय शक्ति को बढ़ाने में योगदान देना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, किसी भी निर्णय को लेने में उसकी सहायता करना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, बल्कि उसको आत्महीनता नहीं दिखाना, बल्कि उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना। तो निर्देशन का यह भी कार्य है। निर्देशन का कार्य क्या है? व्यक्ति की निर्णय शक्ति को बढ़ाना, व्यक्ति की निर्णय शक्ति को शक्ति में योगदान देना, व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाना। नेक्स्ट है फिफ्थ देखिएगा अच्छा नागरिक बनने या बनाने में सहायता करना या सहायता देना। ठीक है ना, निर्देशन का क्या कार्य है? निर्देशन का कार्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना, व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनने में सहायता देना या व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता देना। ठीक है ना, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति बनाना जिससे वो समाज में परिवार में मित्र मंडली में तथा जहाँ भी वो जिस भी वातावरण में रहता है उसमें उस वातावरण में वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके, उस वातावरण में अपने व्यवहार को झलका सके, उस वातावरण में अपनी प्रतिभा अपनी छवि बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स है व्यक्ति की योग्यता क्षमता अभिरुचियों को जानकर उसको सही रूप से उपयोग करना सिखाना। देखिएगा व्यक्ति की योग्यता क्षमता अभिवृत्ति
व्यक्ति की योग्यता क्षमता अभिवृत्ति व्यक्ति की योग्यता क्षमता अभिवृत्ति अभिवृत्ति व भूखी अभिवृत्ति व भूखियों को जानकर अभिवृत्ति व रुचियों को जानकर अभिवृत्ति व रुचियों को जानकर उसका सही रूप से उसका सही रूप से उसका सही रूप से उपयोग करना उसका सही रूप से उपयोग करना। देखिएगा निर्देशन का कार्य व्यक्ति की योग्यता व्यक्ति की क्षमता व्यक्ति की अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार व्यक्ति की रुचि को जानना व्यक्ति की रुचि को जानकर उसकी रुचि को जानकर उसके गुणों को जानकर उसके गुणों को पहचान कर उसको सही रूप से उपयोग करना सिखाना यानी कि उसकी योग्यता का उसको सही मोल दिखाना सही मोल उसको करवाना कि भाई तुम्हारी जो योग्यता है तुम अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग उस कार्य को करवाना। तो निर्देशनकर्ता के द्वारा जो निर्देशन का कार्य है वो निर्देशन का कार्य यह है कि व्यक्ति की योग्यता व्यक्ति की क्षमता व्यक्ति की अभिवृत्ति और साथ में व्यक्ति की रुचि इन सभी गुणों को वो जाने इन सभी गुणों को वो पहचाने और इन सभी गुणों को जानकर पहचानकर उसको उसका उन गुणों को यानी कि उस गुणों को सही रूप से उसका उपयोग करना सिखाना ये निर्देशन का कार्य है। नेक्स्ट है सेवन है व्यक्ति अपने मानसिक प्रवृत्तियों को समझकर उसी के अनुसार कार्य करे। नेक्स्ट है व्यक्ति अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझकर उसी के अनुरूप या उसी के अनुसार कार्य करें। देखिएगा व्यक्ति अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझकर यानी कि व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्तियां क्या है व्यक्ति की मानसिक क्षमता क्या है व्यक्ति की योग्यता क्या है यानी कि व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्तियां व्यक्ति का मानसिक स्वभाव कैसा है व्यक्ति का मानसिक स्वभाव कैसा है उसको समझकर वो उसी के अनुसार कार्य करे। निर्देशन का कार्य क्या है निर्देशन का कार्य यह है कि व्यक्ति अपने मानसिक स्वभाव को समझे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझे और अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को समझकर वो उसके अनुसार अपने कार्य करे। ठीक है इसके साथ ही ये है इसके साथ समायोजन संबंधी कार्य भी है निर्देशन का समायोजन संबंधी कार्य भी है। समायोजन संबंधी कार्य से तात्पर्य है कि जब भी व्यक्ति समायोजन ये नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में समायोजन करना समायोजन से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने परिवार में भी समायोजन करता है व्यक्ति अपने घर में भी समायोजन करता है व्यक्ति अपने जिस जगह पर रहता है उस वातावरण में भी समायोजन करता है साथ में व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में भी समायोजन करता है। तो ऐसे में समायोजन करना यानी कि इन सभी स्थितियों परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाना भी एक निर्देशन का कार्य है। ठीक है निर्देशन का कार्य है विकासात्मक यानी कि निर्देशन का कार्य क्या है विकास करना विकास की ओर प्रवृत्त करना निर्देशन का कार्य विकास की ओर प्रवृत्त करना बालक का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना यह विकास का कार्य है। ठीक है ना उसी प्रकार से एक है कि व्यक्ति को उसके लक्ष्यों तक उसको उन्मुख करना यानी कि किसी भी व्यक्ति को निर्देशन का कार्य किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना उसके लक्ष्यों से उसको परिचित करवाना उसके लक्ष्यों को ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये निर्देशन के कार्य आपके कंप्लीट हुए। नमस्कार अंजलि।